हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेस किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट की फूली फूली टेस्टी टेस्टी कचौड़ी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ड्राई फ्रूट की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने ली है 20-25 बादाम, 2 चम्मच काजू ली है और 2 चम्मच ली है नमकीन दाल। और इस दाल की जगह पर आप कोई और नमकीन भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हम अपनी कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे। कचौरी की फिलिंग में मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1/2 छोटा चम्मच ये गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच सौंफ ली है और 1 चम्मच ली है चीनी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप इसको यूज कर सकते हो। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी ली है ये मैदा और 1/2 चम्मच लिया है अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक और ये मैंने ली है मूंगफली का तेल। आप इसकी जगह पर कोई भी रिफाइंड ऑयल या घी यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम कचौड़ियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इस बाउल को ले लिया है और इसमें हम इस आटे को छान लेंगे मैदा को। आटा देखिए छन गया है, तो नमक और अजवाइन इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और अजवाइन मिक्स करके हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं 3 से 4 चम्मच और इसको भी हम अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए रिफाइंड को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह का होना चाहिए ये, जिससे हमारी कचौरी अच्छी बनेगी एकदम खस्ता। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे और पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे हमारी कचौरियों का आटा अच्छे से बने, ना ज़्यादा गीला हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरह का है, इसे मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ और जब तक हम अपनी कचौरियों की फिलिंग तैयार कर लेंगे। कचौड़ियों की फिलिंग बनाने के लिए हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट और नमकीन लिए थे इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और जो हमने मसाले लिए थे उन सभी को भी इस मिक्सी जार में डाल देंगे और इन्हें हम कचौड़ी की फिलिंग को देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है और ये एकदम दरदरा है, तो इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। मिक्सर हमारा तैयार है। अगर आपको ये लग रहा है कि सूखा सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर इसे फिलिंग को इस तरह से तैयार कर लें। 10 मिनट हो चुकी है, देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं इसे एक बार इस तरह से और चिकना कर लूंगी। आटा हमारा तैयार है, फिलिंग्स भी हमारी तैयार है, तो हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक नींबू के आकार की लोई ले लूंगी और इसको इस तरह से गोल कर लेती हूँ और इसमें एक इस तरह से गट्टा बना देंगे, देखिए इस तरह से। और इसकी फिलिंग के लिए हम इसमें जगह बना लेते हैं अच्छे से, देखिए इस तरह से। तो इसमें मैं फिलिंग डाल देती हूँ। एक चम्मच के करीब मैंने इसमें फिलिंग डाल दी, देखिए इस तरह से। आप चाहो तो थोड़ी सी फिलिंग इसमें और भर सकते हो, जिससे कचौरी हमारी खाने में अच्छी लगेगी। और इस तरह से इसको हम गोल बना लेते हैं और इसके किनारों पे हम जो हमने पेस्ट बनाया था उसको लगा लेंगे, जिससे जो हमारी कचौरियाँ अक्सर फट जाती हैं तो वो फटेंगी नहीं और बहुत ही अच्छी और आसानी से बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से इसको हम चिपका लेते हैं सारी फिलिंग्स को अंदर करते हुए और इस तरह से इसको गोल करके इस तरह से चिपका देंगे। आप चाहो तो इन्हें बेल भी सकते हो, मैं इनको इस तरह से ही प्रेस कर देती हूँ हथेलियों से। देखिए कचौरी हमारी तैयार है और बाकी की कचौरी भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। कचौड़ियों के लिए तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और एक एक करके कचौरी इस पर डालते जाएंगे। सभी कचौड़ियों को इसको आसानी से डाल देंगे। कचौड़ियों को देखिए इस तरह से इसमें डाल देती हूँ मैं और जितनी कचौरी हमारी आ जाएंगी तेल में उतनी ही डालें।
इन कचौड़ियों को मैं कम गैस पर अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। अभी इनको हम छेड़ेंगे नहीं, जैसे ही हमारी कचौड़ी लगेगा कि हमें एक तरफ से सिक गई है तो इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए कचौड़ी हमारी हल्के से सिकने लगी हैं और फूल भी गई हैं, तो देखिए एक एक करके इसे हम पलट देंगे आसानी से। और इन्हें हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कचौड़ियों को मैंने अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए फ्राई कर लिया है और ये कितनी फूली, कितनी अच्छी बनी है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट की कचौड़ी बनके हमारी तैयार है। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी बनी है देखिए इस तरह से, और इसको बनाना भी बहुत आसान है।